दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने ऐसे भारत में जन्म लिया जिसमें गरीब और निचली जाति के लोगों के ऊपर उच्च जाति के लोगों के द्वारा भीषण अत्याचार किया जाता था और उनको दबा दिया जाता था। लेकिन अपने ऊपर इतना अत्याचार और शोषण के बावजूद भी उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी वजह से वह संविधान के निर्माता शिल्पकार बन गए। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल व माता भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो उस समय अछूत कही जाती थी। इसके कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। उनका परिवार मराठी था और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावाड़ी गांव से थे। उनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते वह सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। कुछ दिनों बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वे अपने परिवार के साथ सतारा चले गए और कुछ दिनों बाद उनकी माताजी का भी निधन हो गया था। यहां तक कि डॉक्टर भी छुआछूत के कारण उनका इलाज दूर से ही करते थे। जब आसपास के बच्चे स्कूल जाते थे तब उन्हें देखकर भीमराव जी को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वे भी स्कूल जाना चाहते थे और उनके पिता भी उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन निचले वर्ग के लोगों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था और अछूत माना जाता था। फिर भीम ने उनके पिता से जिद की और मजबूरी में उनके पिता एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी के पास गए। उन्होंने उनसे विनती की, मैंने अपना सारा जीवन सरकार की सेवा की और बदले में मेरे बच्चों को शिक्षा भी ना मिले, यह तो हमारे साथ अन्याय है। और उनकी बातों से प्रभावित होकर उस अधिकारी ने 7 नवंबर 1900 को एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में भीम को दाखिला दिलवा दिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ और इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा जिनको वह सारा जीवन नहीं भुला सके। अंबेडकर जी स्कूल तो जाने लगे लेकिन निचले वर्ग के बच्चों को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था और मास्टर जी उन पर ध्यान भी नहीं देते थे और यहाँ तक कि अंबेडकर जी को छूने से भी वह लोग अपवित्र हो जाते थे। जब प्यास लगती थी तो स्कूल का चपरासी दूर से ही पानी डालता था और वे अपने हाथों से पानी इकट्ठा करके पीते थे और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उनको पूरा दिन प्यासा ही गुजारना पड़ता था क्योंकि मटके को छूने और गिलास से हाथ लगाने की उनको इजाजत नहीं थी। भीम स्कूल जाते समय पास के एक कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे, लेकिन एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा करते देख लिया। फिर क्या था, भीम की जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। एक बार वह नाई के पास अपने बाल कटवाने गए तो नाई को पता था कि वह महार जाति से है। वो उसे नफरत भरी आवाज में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। इन सभी घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसके बाद भीम के बाल उनकी बहन ने काटे। भीम बहुत स्वाभिमानी लड़का था और वह अपने पैरों पर खड़े होकर
परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। इसके बाद भीम ने एक नई योजना बनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने परिवार की स्थिति को सुधारेंगे। उनके पिता रिटायर होने के बाद बॉम्बे जाकर बस गए और यही के मराठा स्कूल में भीम का एडमिशन करवा दिया। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी किताबों को अपने पिता की निगरानी में अध्ययन किया और उन्हें अनेक ग्रंथों और अनेक बुक पढ़ने का शौक लग गया। भीम का ये शौक उनके पिता पर भारी पड़ने लगा, लेकिन वह चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनके पिता ने कर्ज लेकर मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भेजा, लेकिन यहाँ पर भी उनका छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भीम को बोर्ड पर गणित का सवाल हल करने को कहा, लेकिन अगड़ी जाति के बच्चे चिल्लाने लगे, सर यह अछूत है। दरअसल उन बच्चों के टिफिन बोर्ड के पास में रखे थे जो भीम की परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे वहां से फौरन उठा लिए। इन बच्चों के चिल्लाने की आवाज भीम के कानों से उसके दिल में उतर गई, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने वह सवाल तुरंत हल कर दिया था, जिससे मास्टर जी व बच्चे देखते रह गए। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास की और 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ हुआ। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई, जिनको भीम ने पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, मुझसे कृपया दूर रहे। उनके पढ़ाई लिखाई वाले अंदाज ने केलुस्कर को काफ़ी प्रभावित किया और वो भीम को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास लेकर गए। उस समय महाराजा बॉम्बे आए हुए थे और वह सभा कर रहे थे। वहां पर उन्होंने भीम से कुछ सवाल पूछे। उन सवालों का उत्तर भीम ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसी के कुछ समय बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ लड़कों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद भीम महाराज से मिले और भीम के अंग्रेजी बोलने से वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीम राव सहित 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजा। 4 साल बाद वह वापस आए। अंबेडकर जी बड़ौदा के रियासत द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। फिर वह महाराज के यहाँ सैन्य सचिव के रूप में कार्य करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद जातिगत भेदभाव के कारण यह नौकरी उनको छोड़नी पड़ी और एक लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति के कारण वह भी विफल रहा। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया, लेकिन एक बार फिर वह अपने मित्र और कुछ निजी बचत के सहयोग से 1919 में लंदन चले गए, जहां पर मेहनत से उन्होंने MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में लंदन का अध्ययन पूर्ण कर वह भारत लौटे और वकालत शुरू कर दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके वर्ग के लोगों के ऊपर कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने समाज के लिए अनेक मांगे उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फिलोसोफर, राइटर व एक महान लीडर हैं, जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए हुए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि एक बिखरे हुए भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। और अंबेडकर जी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी। सन 1950 में अंबेडकर जी
बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म दीक्षा प्राप्त कर ली। अंबेडकर जी ने जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति अनुसार हुआ। अंबेडकर जी को 1988 में भारत रत्न भी दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, मैंने बाबा साहेब के जीवन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।